वेलकम टू माय चैनल जीतू सुपर पिजन में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम अपने कबूतरों की करेंगे डीवर्मिंग। बहुत सारे भाई ये कह रहे थे कि जीतू भाई हमें डीवर्मिंग करनी है, तो हमें मेडिसिन बताओ किस मेडिसिन से हम डीवर्मिंग करें। तो भाई पहले तो हम करते थे, मैं बता दूं आपको, पहले हम करते थे डोंटल प्लस। डोंटल प्लस कुत्तों वाली टैबलेट आती है, उससे मैं करता था भाई डीवॉर्मिंग। मैंने 2-3 बार उससे डीवॉर्मिंग करी है, ठीक है। वही मैंने भाइयों को बोला था कि भाई उससे आप कर सकते हो, लेकिन चक्कर क्या हुआ भाई, उससे ना जैसे हमने डीवॉर्मिंग करी, कीड़े भी निकले, सारे काम हुए, लेकिन उसके बाद कबूतरियों ने अंडे रखने बंद कर दिए। तकरीबन 7 से 8 कबूतरियाँ हमारी ख़राब हो गई। उस दवाई का वो नुकसान हुआ कि कबूतरियों ने अंडे रखने बंद कर दिए, ठीक है। ये जो अपने पास दवाई है, इससे एक बार पहले भी हम कर चुके हैं, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और बढ़िया तरह से डीवॉर्मिंग हुई थी, ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा डीवॉर्मिंग करनी है इस दवाई से, ठीक है जी। ये भाई 500 रुपये की डब्बी है, अगर किसी भाई को चाहिए है तो वो मंगवा भी सकता है, अपने पास अवेलेबल है ये, ठीक है। ठीक है, ये पत्ते हैं भाई, देखो इसके अंदर ये निकले, ठीक है जी। ये दवाइयाँ निकली हैं, देखो ये गोलियाँ हैं, ये पत्ते निकले हैं। एक पत्ता एक कबूतर को देना है आपने, उसके बाद आप 10 ml पानी देना चाहो 10 दे सकते हो, 15 ml देना चाहो 15 दे सकते हो, या फिर आप कबूतर को बाहर छोड़ दो अपनी मर्ज़ी से पी ले, तो जैसे मर्जी आपकी इच्छा है वो जैसे मर्जी दे सकते हो। तो आज इन टैबलेट से हम करेंगे अपने कबूतरों की डीवॉर्मिंग। इसका बेनिफिट ये है कि भाई इसमें ना कबूतर सोके में भी नहीं आता, क्योंकि डोंटल से करते थे तो एक बार कबूतर सोके में आता है, उसके बाद कबूतर सेट होता है। और कई बार कबूतर, अगर कोई ज़्यादा कबूतर कमज़ोर है या कबूतरी अंडों पे बैठी है, उसको दे दिया हमने, बच्चों वालों को दे दिया, तो उससे क्या होता था, कबूतर मरने के चांस भी कई बार हुए हैं। तो ये जो टैबलेट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्पेशली बनी ही कबूतरों के लिए है, देखो ये रे, ठीक है। ये इसका नाम है, स्क्रीन शॉट ले लेना अगर किसी भाई को ये चाहिए है तो, ठीक है। 500 रुपये की डब्बी है, ये देख लो, इस पर दिखा दूंगा मैं आपको, रेट भी लिखा हुआ, एक पत्ते का रेट 99 है, ठीक है दोस्तों। ये 480 रुपये की पड़ेगी आपको डब्बी, ठीक है। तो जिस किसी भाई को चाहिए है ये अपने पास अवेलेबल है। ये सिंगल पत्ता भी अगर चाहिए तो किसी को मिल जाएगा, ये 99 रुपीज़ का पत्ता है भाई। अगर किसी को 2 पत्ते चाहिए, 3 पत्ते चाहिए तो वो भी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आधी डब्बी चाहिए आधी भी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये टैबलेट है, हम दे के दिखाएंगे आपको और हम दिखाएंगे इसका रिजल्ट कि कबूतर के कीड़े कैसे निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गोली निकाल ली हमने, ये एक टैबलेट निकाल ली है इसमें से, ये रही। अब एक कबूतर को दे के बाहर छोड़ देंगे, ठीक है जी। ये कबूतर पकड़ा भाई हमने अपना लाल, ये इस कबूतर को ऐसे देनी है, ये दी और इसको छोड़ दो, ये पानी वहाँ पी लेगा तसले में, तसले में पानी रखा हुआ, अपने आप पी लेगा ये। अगर कोई भाई हाथ से देना चाहे पानी हाथ से भी दे सकते हैं, ठीक है जी। किसी भाई की इच्छा हो तो हाथ से भी दे सकता है भाई, वैसे तो कबूतर तसले में पी लेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ये दूसरे कबूतर को दे दी, ये छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे देनी है भाई आप भाइयों ने, ठीक है। और इसी टैबलेट में भाई, अगर जिस भाई के पास ज़्यादा कबूतर है तो पाउडर फॉर्म में भी हमारे पास पाउडर भी है इसका, उसकी भी मैं वीडियो डालूंगा वो कैसे देना है, ठीक है। वो भी हमारे पास है, वो भी कीड़ों का ही है, ठीक है। अगर जिसके पास मान लो 500, 700, 1000 कबूतर हैं, वो गोली इतनी नहीं ले सकता, तो वो कीड़े की जो दवाई है पाउडर है वो भी आप ले सकते हो हमारे पास। ये देखो सबको दे दे के छोड़ रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। और दिखाएंगे इनके पेट में से जब कीड़े निकलेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी देखना, आसानी से हो जाती है डीवॉर्मिंग इससे, ठीक है। सबसे बढ़िया बात ये है, इसमें परेशानी नहीं है, अकेला बंदा भी आराम से कर सकता है। और अदरवाइज वैसे डीवॉर्मिंग करो तो यार उसमें बड़ी लफड़ा हो जाता है, 2 बंदे चाहिए, 3 बंदे चाहिए। इसमें अकेला बंदा आराम से एक टैबलेट निकाल ले और कबूतर के मुंह में डाल दे और छोड़ दे। ये देखो 6 कबूतरों को दे चुका हूँ, अभी 4 बची हैं टैबलेट इसमें, ठीक है दोस्तों। और इसका रिव्यू भी आपको दिखाएंगे कि कैसे कीड़े निकलते हैं। और भाई इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, पहले अपने कबूतरों को यूज़ करा के ही मैंने हर वीडियो डाली है, ठीक है, क्योंकि ये आदत है नहीं अपनी कि देखम देखी लाओ डाल दो और दे दो छोड़ दो। पहले अपने कबूतरों को यूज़ करा के देख रखा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया जब आपको मैं बता रहा हूँ। ये कबूतर को दे दी भाई काला चीना कबूतर का, ठीक है।
लेंगे पानी अपने आप, और उसके बाद आप देखना कैसे कीड़े निकलते हैं। ये अपना देसी कबूतर है भाई, ठीक है, इसको भी देखते हैं। देखो उधर देखो पानी, देखो दोस्तों नहा रहे हैं ना कबूतर, अभी पानी अपने आप पी लेंगे और उसी से ये कीड़े जो है बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। ये जरूरी नहीं है अपने हाथ से ही देना है जब ये कीड़े निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। अभी इन कबूतरों को हमने दे दी है, अभी इनका रिजल्ट दिखाएंगे आपको, ठीक है, बाकी कबूतरों को देंगे बाद में, पहले इनका रिजल्ट दिखाते हैं आप। देखो दोस्तों कीड़े निकलने शुरू हो गए हैं, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो इस हिसाब से कीड़े निकलेंगे, ठीक है, और ये कंटिन्यू निकलेंगे भाई दो तीन दिन तक, ऐसा नहीं है कि आज ही निकल के रह जाएंगे, ठीक है जी। देख सकते हैं अभी दिए हुए को मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं हुई तो ये निकलने शुरू हो गए, देखो ले भी दोस्तों, देखो यहाँ भी, ठीक है, ये निकल रहे, देखो यहाँ भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। ये देखो दोस्तों ये निकला कीड़ा, ये देखो दिख रहा है ऐसे निकलेंगे कीड़े भाई। ले भी दोस्तों ये देखो, ये रे भाई कीड़े इतने मोटे मोटे हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैंने ना कबूतरों को ये दी है तो कबूतरों के पेट में ना दाना था, तो आप ये काम मत करना, बिल्कुल अपने कबूतरों को सुबह चुगा लेना, ठीक है। जैसे कि आज आपने चुगा दिया सुबह 11 बजे कबूतर, और अगले दिन 11 बजे तक कोई दाना नहीं देना कबूतरों को, पानी बेसक दे दो ताकि खाली पेट हो जाए कबूतर, और उसके बाद देना है आपने ये। देखो कीड़े और भी निकलेंगे, अभी 10 मिनट हुए हैं पर मुझे कहीं जाना भी है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ ओवरव्यू। देखो भाई इस हिसाब से कीड़े निकाल लेगी दवाई, ठीक है, जिस भाई को चाहिए है मंगवा सकते हो अपने पास से। देखो दोस्तों यहाँ भी निकले कीड़े, देखो ये मतलब कंटिन्यू निकलेंगे, अब जैसे हमने टैबलेट दे दी है तो ये 2 दिन तक निकलते रहेंगे, आप बीट बेसक चेक कर लेना, और अभी इसके बाद जो निकलेंगे ना 1-1.5 घंटे बाद वो मोटे निकलेंगे कीड़े, अभी छोटे वाले निकल रहे फिर मोटे मोटे भी निकलेंगे, ठीक है। इससे कबूतर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है भाई, खाया पिया लगेगा कबूतर को, उड़ान में बहुत दिक्कत करते हैं कबूतरों को, और ब्रीडिंग में भी दिक्कत करते हैं।